हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का। मैं आई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनाना है डिनर। मैं जो है काफ़ी दिन से वीडियो शूट नहीं कर रही थी। मैंने 3-4 दिन कोई भी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। मैंने आप लोगों को थोड़ी अपडेट भी दे दी थी कि कुछ हेल्थ इशू है जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने जो लास्ट वीडियो शूट की थी वो मैंने ट्यूसडे को की थी, तो वही लास्ट ब्लॉग था मेरा ट्यूसडे के बाद। आज सैटरडे को मैं वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज कुछ हेल्थ इश्यू था। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन हो जाता है कभी कभी, तो बस वही था। और ये हेल्थ इश्यू मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटिव नहीं है, सो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन मत कीजिएगा, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। मैंने सोचा चलो आज मैं थोड़ा ठीक हो चुकी हूँ, मैं मेडिसिन वगैरह सब ले आई थी, तो चलो क्यों ना वीडियो शूट कर ली जाए और आपके साथ शेयर की जाए। जितना भी शूट कर पाऊँगी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं अभी मार्केट से कुछ सामान, वो थोड़ा गए थे किसी काम से तो वहीं से ये सब भी लेके आए हैं, तो ये भी मुझे रखना है। और आज मैं सोच रही हूँ डिनर में क्या बनाऊँ जो फटाफट बन जाए। तो भिंडी रखी हुई है वही मैं बना लेती हूँ क्योंकि हरी मिर्च और प्याज की बनाऊँगी मैं, कोई भी मसाला ऐड नहीं करती हूँ, सिंपल तरह से बनती हैं वो, तो बस ये वही मैं बना लेती हूँ फटाफट से और मिलती हूँ फिर आप लोगों से। सबसे पहले जो सामान मेरे हस्बैंड लेके आए हैं उसे मैं जगह पर रख दूँगी उनकी। तो ये है काजू और किशमिश, तो इनको मैं कंटेनर में रख दूँगी जिसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट रखती हूँ, और अभी ऐसे ही पैकेट रख रही हूँ, बाद में इन्हें मैनेज करके रख दूँगी। और कुछ फ्रूट्स भी लाए हैं, फ्रूट्स में वो बनाना और मैंगो ही लाए हैं, तो उनको मैंगो पसंद नहीं है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ इसलिए वो कम लाए हैं। और बनाना को मैं एक बास्केट में रख दूँगी क्योंकि इसे मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ, फ्रिज में रखने से बनाना ख़राब हो जाते हैं जल्दी। और एक मैंने उनसे कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई थी, मेरा बहुत मन हो रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो बस वो लेके आए हैं, तो उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी और मैंगो को भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, तो मैंने भिंडी को निकाल लिया है फ्रिज से और एक बाउल में साफ़ पानी मैंने रख लिया है, उसमें धो धो कर मैं भिंडी को अच्छे से वॉश करके रखती जाऊंगी। उसके बाद मैं फिर से बाउल में एक बार और पानी लूंगी और इन्हें दोबारा से अच्छे से वॉश कर लूंगी, क्योंकि मेरी आदत है मैं किसी भी वेजिटेबल्स को कट करने से कम 2 बार वॉश करती हूँ। बहुत से लोग 1 बार करते हैं लेकिन मैं 2 बार करती हूँ, जिससे इनमें कुछ भी गंदगी वगैरह होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। और मार्केट में काफ़ी सारे लोग हाथ लगाते हैं तो इसीलिए मैं 2 बार साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 2 बार और अब इन्हें मैं कट कर लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सारी भिंडियों को कट कर लिया है और अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक डाल रही हूँ ग्लास में क्योंकि काफ़ी मन हो रहा था आज मेरा ठंडा पीने का, और मैंने बहुत टाइम बाद मंगाई है इसे। मैं बहुत ही कम कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, तो वो ड्यू कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, तो बस इन्हें ही मैं 2 ग्लास में निकाल रही हूँ हम दोनों के लिए, और इसको पहले मैं पीऊँगी उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी डिनर। सब्जी बनाने के लिए रख दी है मैंने गैस पर एक कढ़ाई और इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है।
ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 कुटी हुई लहसुन ऐड कर दी थी, और लहसुन फ्राई होने के बाद अभी मैंने इसमें डाल दी है कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। मैंने एक प्याज ली थी जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, और 4 से 5 हरी मिर्च ली थी जिसे बारीक चॉप कर लिया था। अच्छे से मिक्स कर दूंगी, प्याज और हरी मिर्च फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी भिंडी जो मैंने चॉप करके रखी हैं, और अच्छे से मिक्स कर दूंगी इन्हें। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल, हरी मिर्च और प्याज डालकर, तो हमें ऐसे ही अच्छी लगती है। अगर आप लोग मसाला ऐड करते हैं तो साथ ही मैं डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद इसे मैं ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी स्लो फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने रखा है एक तवा, और इसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं थोड़े से काजू फ्राई कर रही हूँ। मेरा मन हो रहा है काजू खाने का फ्राई किए हुए, और मैं भिंडी को भी चला लूँगी बीच में एक बार ताकि ये चिपके ना। और काजू को जो है मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, मीन्स हल्के से गोल्डन कलर के हो जाए इस तरह से, और थोड़े ही फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और बस इसमें मैं काला नमक ऐड करके खाती हूँ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस इनको मैं फ्राई कर लूँगी। काजू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो बस मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। बहुत से लोग इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करके भी खाते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ काला नमक ही ऐड करती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो नमक ऐड करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और डिनर के साथ लूंगी मैं। तो मैंने इन्हें रख दिया है, और यहाँ पर जो है मैं भिंडी को भी एक बार चला लूंगी ताकि भिंडी जो है चिपके ना। साथ ही साथ मैंने आटे को भी गूंद लिया था, तो मैं चपाती भी सेक लूँगी। और सब्जी को मैंने दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखा है ताकि उसे भी मैं चेक करती जाऊँगी बीच बीच में, और रोटियाँ भी सेक लूँगी। यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, तो बस अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 कटा हुआ नींबू का रस। और मैं हाथों में लेकर इसलिए डाल रही हूँ इस तरह से ताकि जो बीजे वगैरह हैं वो सब्जी में ना गिरें। तो मैं जब भी भिंडी की सब्जी बनाती हूँ तो उसमें नींबू का रस ज़रूर डालती हूँ, इससे जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। तो मैंने सब्जी को मिक्स कर दिया है, और अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है तो आप लोग भी डालकर ज़रूर देखिएगा। और सब्जी को मैंने ढककर रख दिया है और गैस को ऑफ कर दिया है, तो भिंडी बनकर तैयार है, और यहाँ पर साथ ही साथ मैं चपाती भी सेक लूँगी। उसके बाद इनमें घी लगाकर रख दूँगी। मैं बाद में घी नहीं लगाती हूँ, मैं जब भी रोटियाँ बनाती हूँ तो उसके बाद ही तुरंत इनमें घी लगाकर रख देती हूँ। और बस फिर मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। आज मैं ऐसे ही सिंपल क्लीनिंग करूँगी अभी इस टाइम, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने डीप क्लीनिंग कर ली थी, प्लेटफॉर्म वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लिया था, गैस वगैरह को। तो अब बस मैं सिंपल कपड़े से साफ़ कर लूँगी इसे। तो यही है आज का बस मेरा सिंपल सा रूटीन, और आज के ब्लॉग में कुछ भी ज़्यादा खास नहीं था, मैंने बस आप लोगों के साथ अपना सिंपल सा जो डिनर रूटीन था मेरा, बस वही शेयर किया है।
तो फ्रेंड्स बस अपने इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी आने वाली वीडियो को देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को छोटे बर्तन में निकाल कर रख दूँगी क्योंकि मुझे बर्तन क्लीन करना है, उसके बाद ही हम लोग डिनर करेंगे। तो मैंने सब्ज़ी को निकाल लिया है और अब मैं गैस और प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन क्लीन करूँगी और फिर हम लोग डिनर करेंगे। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।